हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खान असासा महक और हमने पहले लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ का पार्ट वन देख लिया था, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ की स्टडी किए थे। अभी बचे हुए 50 एमसीक्यूज़ ये पार्ट टू में आएंगे, तो ये भी पार्ट टू देख लो। अभी 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे और एमटीजी फिंगर टिप्स के एमसीक्यूज़ हैं ये। तो पहला क्वेश्चन देखो, 50 हो गए थे, 51 से देखेंगे। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस अंडर द जीनस, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कैट का जीनस क्या है? फेलिस। अगर आपने हमारे लिविंग वर्ल्ड के जो तीन पार्ट, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट थे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, अगर वो देखे होंगे तो ये सारे एमसीक्यूज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो, ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कैटला कैटला, द स्पेसिफिक नेम ऑफ आइडेंटिकल विद जेनरिक नेम, येस इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कि अगर स्पेसीज का नेम और जीनस का नेम दोनों सेम सेम है, लाइक इसमें कैटला कैटला है, तो इसको क्या बोलेंगे, किसका एग्जाम्पल है ये? टॉटोनेम का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें ऑड वन क्या है, बाकी सब से अलग क्या है? तो आंसर होगा डी, क्यू, क्योंकि बाकी सब स्पेसीज है और ये सिर्फ हेमीडैक्टिलस क्या है, ये जीनस है। कैसे समझ में आ रहा है? अगर पता नहीं भी है तो ये पता है कि जीनस का, जीनस के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब का स्मॉल है, तो ऐसे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिलीज, फैमिली के नीचे क्या है? हमने पिछले वीडियो में बताया कि ऑर्डर को, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद कैसे रखते हैं, कि फैमिली के बाद क्या आएगा, लाइक किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और देन स्पेसीज। तो फैमिली के बाद क्या आता है? फैमिली के नीचे जीनस, ओके। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जीनस किसके बीच में है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इजी, हमने जो ऑर्डर बताए थे कि कैसे याद रखनी है, ट्रिक, वो ट्रिक जाके देख लो, याद करो और ये पता चल जाएगा, आंसर डी है। अब बहुत सारे जीनस को मिला के क्या बनता है? फैमिली। अगेन ऑर्डर, ऑर्डर ही याद रखनी है, देख लो, के पी मतलब किंगडम, फाइलम, फाइलम या डिवीजन बोल सकते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ठीक है। अब जो सफिक्स लग रहा है ओ ए डी, सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में लगता है, वो किसके लिए लगता है? यूज़ फॉर द सब फैमिली, ओके। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, याद रखो। दैट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरप्रेटेड बिटवीन, मतलब फैमिली किसके बीच में, अभी देखो, फैमिली जीनस और ऑर्डर के बीच में आती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल अदर्स, मतलब ये बाकी के, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ये सब किसके अंडर आ सकते हैं? ऑर्डर के, क्योंकि ऑर्डर इनसे हायर कैटेगरी है, ठीक है। ऑर्डर का जो एंड है, ऑर्डर का सफिक्स क्या है? ए एल ई एस, एल्स, ओके। इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरीला, गोरीला को आप किस ऑर्डर में रख सकते हैं? कार्निवोरा में, क्या नहीं, कार्निवोरा नहीं है वो, डिप्टेरा में, सैपिनल्स में नहीं, प्रिमाटा, गोरीला, गिबोन और मंकी, एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में कि वो प्रिमाटा में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स, अभी ये देखो, ऑर्डर्स मिलके किस में जाएंगे? क्लास में, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास होगा, वन और मोर, एक ऑर्डर या एक से ज़्यादा ऑर्डर किस में जाएंगे? क्लास में। क्वेश्चन नंबर 63, टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन अ सेम फैमिली, सेम क्लास में तो है बट सेम फैमिली में नहीं है, तो वो सेम किस में होंगे? इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ऑर्डर, तो ऑर्डर में रहेंगे। अगेन बोल रहे हैं हम कि ट्रिक जाकर देख लो, पिछले वीडियो में पार्ट वन में हमने बताया था कि ये इसको टेक्जोनॉमिक हायरार्की को, ये ऑर्डर को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। विल्स ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर बेसिक यूनिट में होता है, बेसिक स्पेसीज, द बर्ड टेक्जोनॉमिकली प्रेजेंट इन, बर्ड्स किस में? क्लास में होते हैं, कौन सी क्लास है? एव्स, ठीक है, एव्स क्लास है, एव्स में प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है देखना है? इंडिका ट्यूबेरोजम एंड लियो आर स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो राइट है। फाइसिलिया एपिस एंड हेलियांथस रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, ये भी राइट है। मोनोकॉट एंड डाइकॉटिलेडॉन अदर क्लासेस ऑफ डिविजन एंजियोस्पर्म, ये भी राइट है। बट क्या फाइलम कॉर्डेट है द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया? नहीं, कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का? याद रखो, आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस. सेम किंगडम में है, डिफरेंट क्लासेस में है, तो सेम किस में होगा, सेम फाइलम या सेम डिविजन में? आंसर में सेम फाइलम है. किसके बारे में पूछा है? एनिमल की, तो एनिमल के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं. अगर प्लांट्स पूछते थे, दो प्लांट्स हम डिविजन बोलते थे, ठीक है, तो अभी आंसर है फाइलम. नेक्स्ट है, सी द दिस डायग्राम और आपको बताना कि कौन से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज में आता है. तो ये कॉर्डेट में आता है तो पता है, बाकी के दो ऑप्शंस कट गए, सी और डी कट गए, ठीक है. देन क्लास मैमेलिया में आता है, ऑर्डर कार्निवोरा है, ये फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा और ये दिख रहा है टाइगर, स्पेसी टाइग्रेस. ओके, तो आंसर हो गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये जो हायरार्की है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हायरार्की, जो आइडेंटिफाई करना है हमको ए बी और सी, उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवेन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो ए पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑर्डर में पता है फैमिली आती है, फैमिली यहाँ पे लिखा है, फैमिली ये यहाँ पे फैमिली आएगा, फिर ऑर्डर के बाद यहाँ पे क्लास आएगा और यहाँ पे किंगडम. तो अभी देखो, ए इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स नंबर ऑफ जेनेरा, रिलेटेड जेनेरा. हाँ, जेनेरा से तो ए बनता है, मतलब फैमिली. एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकॉड, डाइकॉड और मैमेलिया. क्या ये सही है? बी क्लास है ये. और सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ हायरार्की. सी क्या बेसिक यूनिट है? नहीं, सी बेसिक यूनिट नहीं है. अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है ऑप्शन इसका. नेक्स्ट है स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी सी आर फंगाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा. क्या थी कैटेगरी सी? यस, कैटेगरी सी थी किंगडम. किंगडम के एग्जाम्पल क्या मोनेरा, फंगाई और प्रोटेस्टा है? हाँ है, किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम फंगाई होता है, किंगडम प्रोटेस्टा होता है. तो एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब राइट है, ठीक है. कौन से स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट थ्री को छोड़ के. वन, टू और फोर राइट स्टेटमेंट है और हमको राइट ही ढूंढने हैं. तो आंसर क्या आएगा? ये. देन हमको ऑर्डर देखना है. अगेन हमने बोला था ऑर्डर कैसे याद करनी है, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पेसीज, ऐसे याद रख लो, ठीक है. नेक्स्ट ये याद रखो, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है, वो एनसीईआरटी में है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. ओके, ये सारे स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लो. क्या लगता है क्या होगा? आंसर इज बी. एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. नहीं, स्पेसीज में ज़्यादा कॉमन है, जैसे जैसे किंगडम तक जाते हैं वो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर. तो स्पेसीज में सबसे ज़्यादा, स्पेसीज के बाद जीनस में, जीनस के बाद फैमिली में और सबसे ऊपर वाले, इन चारों में से क्लास कौन सी है? इन चारों में से क्लास है, तो क्लास में सबसे लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फ्रॉम द गिवन प्लांट. ये प्लांट है, सनफ्लावर का प्लांट दिख रहा है. डिविजन कौन सा होगा? ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म. क्लास डाइकॉट, ऑर्डर एस्टेरियल्स और फैमिली एस्टेरियसी. सफिक्स यहाँ पे एस्टेरियल्स और एस्टेरियसी में ये लग रहा है, देखो आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये ए बी सी ए क्या हो सकता है ये देखना है. ये तो एनसीईआरटी का ही टेबल है. मैन का फाइलम या डिविजन कौन सा है? कॉर्डेट. यस, हाउस फ्लाई का क्लास क्या है? ओके, मैंगो का फैमिली क्या है? एनाकार्डियसी है. वीट का क्लास क्या है? मोनोकॉट है. देखो अभी क्या होगा इसमें ऑप्शन. फिर यस, इंसेक्टा, कॉर्डेटा, एनाकार्डियसी, मोनोकॉट, ये सब आप लोग मैच करके देख लो, आंसर ए आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी. यस, फाइलम क्लास स्पेसीज है बट ये ग्लोमेसी नहीं है कैटेगरी, ये फैमिली आ रही है कोई स्पेसीज, कोई ऑर्गेनिज्म की, ठीक है. मिसमैच पेयर कौन सा है? पैंथेरा लियो, क्लास मैमेलिया में होता है, ये भी राइट है. ई कोलाई, कॉमनली ऑकरिंग प्रोटोजोन इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये भी राइट है. सोलैंड ट्यूबरम डाइकॉट प्लांट है, ये भी राइट है. बट म्यूस्का डोमेस्टिका हाउस लेजर्ड रेप्टाइल है क्या? नहीं, ये एनसीईआरटी में है कि म्यूस्का डोमेस्टिका किसको बोल रहे हैं हम लोग? हाउस फ्लाई को कह रहे हैं, लेजर्ड को नहीं, ठीक है. आंसर देन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिकिंग अ न्यू प्लांट. तो इसका आंसर है फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट. ओके, तो क्या है जॉनरे? जॉनरे ने क्या किया था? पिछले ही पार्ट में हमने पढ़ा था कि जॉनरे क्या किया.
बट अगर हम सब लोग देखेंगे तो ए का टू है. फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पेसीज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. कार्ल लिनाइस ने इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी और जूलियन हक्सले गिव द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स. ठीक है ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. दो डायग्राम गिवन है हर्बेरियम शीट्स के. इसमें से करेक्ट मेथड बताना है हमको. इन दोनों में से करेक्ट मेथड कौन सा है. तो करेक्ट मेथड जो है वो क्या है. देखो फिगर बी एज एवरी प्लांट पार्ट इज़ अनफोल्डेड. फोल्डेड पार्ट नहीं होना चाहिए, अनफोल्डेड होना चाहिए हर्बेरियम शीट में. राइट अब 79 क्वेश्चन हो गया. 80 क्वेश्चन है. क्या है ये. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट. ओके और कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताने हैं फिर हमको. प्लांट शुड बी फ्लावरिंग एज, ये राइट स्टेटमेंट है. एवरी डिटेल रिगार्डिंग द प्लांट सच एज लोकेलिटी इकोलॉजिकल कंडीशन वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स आर एक्सेट्रा शुड बी नोटेड, ये भी राइट है. बाकी के स्टेटमेंट भी देखो सब राइट है, लेकिन एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. ब्लॉट इन पेपर्स नीड नॉट बी चेंज अंटिल द प्लांट गेट्स ड्राई. ऐसी ज़रूरत नहीं होती है. तो आंसर नॉट करेक्ट में यही आएगा. आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए. बोटानिकल गार्डन्स मेनली सर्व द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दी एक्स सी टू मतलब एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म. ओके नेक्स्ट रॉयल, ये भी मैच करना है, ये भी इजी है. रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है. क्यू इंग्लैंड. ओके इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में. नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में. और लायोट बोटानिकल गार्डन ये आउट ऑफ सिलेबस एक नाम है, याद रखो दार्जिलिंग में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन. तो ये देखो दीज हेल्प इन अ ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीप देयर रिकॉर्ड. ये बोटानिकल गार्डन ये करता है. दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, ये भी करता है. दे हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग द रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स, ये भी है. सभी स्टेटमेंट राइट है, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है. आंसर इज नन ऑफ दिस. ओके अर्बोरेटियम इज अ पार्ट ऑफ बोटानिकल गार्डन वेयर, ये आउट ऑफ सिलेबस है. क्या होगा इनका आंसर. बोनसाई आर मेड, ब्यूटिफिकेशन इज डन, पाम्स आर ग्रोन और बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. इसका आंसर है बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे स्टेटमेंट पढ़ना जिसमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है. म्यूजियम के रिगार्डिंग है. स्टेटमेंट पढ़ लो. इनकरेक्ट इसमें है स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू कैप्ट इन अ म्यूजियम. ऐसा तो है नहीं, अलाउ है. तो आंसर डी है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू. बोटानिकल गार्डन किस में आएंगे. बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स रहेंगे. जूलॉजिकल पार्ट में लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे. म्यूजियम में प्रिजर्व एनिमल्स एंड प्लांट्स. और हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स प्रिजर्व होते हैं. आंसर इज बी. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे अ क्विक रेफरल सिस्टम. तो ये एनसीईआरटी में ये जो हर्बेरियम है उसके उसमें लिखा है लास्ट लाइन में कि क्विक रेफरल सिस्टम, हर्बेरियम इज अ क्विक रेफरल सिस्टम. ओके नेक्स्ट दो स्टेटमेंट गिवन है. जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेस वेयर वाइल एनिमल्स आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ये राइट स्टेटमेंट है. एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिसिन रेगुलर चेकअप, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेड फॉर अ हेल्थ केयर एंड अपकीप ऑफ एनिमल्स, ये भी स्टेटमेंट राइट है. दोनों भी स्टेटमेंट राइट है. ओके और जो लास्ट के कुछ बच्चे हैं वो देखो कौन से हैं. कुछ क्वेश्चन है बस. नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, दिल्ली में है ये. ओके जूलॉजिकल पार्क के बारे में एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कुछ नहीं लिखा है तो याद रखो. और जो की है टैक्सोनॉमिकल एड उसका एक हर एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं. द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अप्लाइंग ये डायग्नोस्टिक फीचर इज टैक्सोनॉमिक की. कपलेट इन अ की इज अ कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. पेयर्स में एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं. ओके नेक्स्ट है डैश इज अ टेक्सोनॉमिक एड विच कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पेसीज. सिर्फ प्लांट के बारे में एक पर्टिकुलर एरिया में वो किस में होता है, फ्लोरा में होता है. द प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया अ सराउंडेड बाय अ जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज विल बी इंक्लूडेड इन फ्लोरा, क्योंकि प्लांट से फौना रहता था, एनिमल्स होता था. विद टेक्सोनॉमिक एड्स गिव कम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ कम्प्लीट कंपाइल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ जीनस और अ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक जीनस या एक फैमिली के बारे में मोनोग्राफ देता है. नेक्स्ट क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट देखो, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व, ये राइट है.
फ्लोरा प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पेसिस फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी राइट है. मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सा, ये भी राइट है. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कॉन्सिक्यूटिव, ये पहला स्टेटमेंट राइट है, बाकी के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू. इकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, हर्बेरियम कलेक्शन, नहीं हर्बेरियम का क्या है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स, होलोटाइप, ये आउट ऑफ सिलेबस एक वर्ड दिख रहा है. ओरिजिनल स्पेसिमेंट सिटेड बाय एन ऑथर और टेक्सोनिक हायरार्कल यूनिट है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. देन डैश आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, तो मैनुअल्स है. और कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसीज, लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पेसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, इतना पूरे 100 क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी पार्ट्स में आएगा. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.